अब सही है, अब सही होगा ना? अब ठीक है, चलिए। नहीं नहीं सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, जस्ट है पैशन, है पैशन, है पैशन, चलना चाहिए। ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग, आगे बढ़िए। चेक पॉइंट लग चुका है ऑलरेडी ना, कॉलेजन डिस्कशन था, शुरू हो गया था ना, क्या बताया गया था कॉलेजन में बाबू, बताइए जरा। अरे डमरू लोग, क्या बताया गया था कॉलेजन में, बताओ तो। कॉलेजन के क्लासिफिकेशंस भी हो गया था ना, कॉलेजन क्या था, कॉलेजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट, गॉट इट। क्या क्या होता था उसके आगे मैं जानता हूँ, नहीं तो पूछो किसी को, कॉलेजन होता टक्कर होता है, कॉलेजन है, कॉलेजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट वेयर अ लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन टू ऑक्युपाई द कॉमन स्पेस अमंग द कोलाइडिंग बॉडीज, एम आई राइट और नॉट। ये सब बातें हुई थी ना, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड्स ना, चाहे किसी भी तरह का कॉलेजन हो लीनियर मोमेंटम, किसी भी तरह का कॉलेजन लीनियर मोमेंटम, किसी भी तरह का कॉलेजन लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं था कि कोलाइडिंग बॉडीज फिजिकल टच में आना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं ना, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर कोलाइडिंग बॉडीज टू हैव फिजिकल टच, एम आई राइट और नॉट। वो कोलाइडिंग बॉडीज टकरा भी रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम फिजिकल टच हो रहा है, एक फोर्स लगता था, याद है ए वाला बम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल वाला स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कॉलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का केस, वहाँ रिपल्सर आता था, रिपल्सिव फोर्स लगता था, छोटा ड्यूरेशन के लिए एक्ट करता था, अलग बात है। ठीक है, अच्छा ये बातें हो गई थी, कॉलेजन का क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ा दिया था आप लोगों को, याद है। बताओ जरा कॉलेजन कितने तरह का, यस, किस बेसिस पे बात होना था, याद है ना, लास्ट क्लास में अगर डिस्कशन कराऊ तो पहले बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ इंपैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ, यस, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंपैक्ट। छोटा सा रिकॉल करा देता हूँ, मैं जान रहा हूँ कुछ गधे होंगे ही जो क्लास मिस किए ही होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट, एम आई राइट। और दूसरा क्लासिफिकेशन का बेस क्या था हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ, यस, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। अरे कोई प्रॉब्लम मुझे बताओ, कॉलेजन में, कॉलेजन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंपैक्ट, कॉलेजन कितने तरह का था, यस, ऐसे तीन तरह का भी बोल सकते हो, 1D, 2D और 3D। गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच जो कॉलेजन होता है 3D का ही तो एग्जांपल है, लेकिन वो पढ़ना नहीं है अभी हम लोग को यहाँ पे, तो इसलिए कॉलेजन को क्या बोला था, 1D और 2D, ये बातें हो चुकी थी, याद है ना, 1D और 2D, ये क्या था, 1D को हेड ऑन कॉलेजन भी बोलते थे ना, हेड ऑन कॉलेजन, इसी को क्या बोला जाता था, 1D कॉलेजन, कौन सा कॉलेजन, और दूसरा कॉलेजन कौन था, ऑब्लिक साइड ऑन, ऑब्लिक कॉलेजन ना, कौन सा कॉलेजन था, ऑब्लिक, इसको क्या बोलते थे हम लोग, और 3D कॉलेजन तो पढ़ना ही नहीं है, गैसेस मॉलिक्यूल्स वगैरह अलग चीजें, उसके लिए हमारे पास टूल्स भी उतना नहीं है ना, जो आप सब एक्यूरेसी के साथ सारा चर्चा कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, समझ में आया, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी के बेस पे ये भी बता चुका था ना, हेड ऑन कॉलिजन में क्या चर्चा हुआ था, याद करो थोड़ा सा, यस, कॉलिजन के बाद लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग ही चला जा रहा है, एक ही लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है, वो हेड ऑन कॉलिजन था। 2D कॉलिजन में क्या था, यस, एक प्लेन में मूव करता था, याद है ना, सब चीज समझाया हुआ अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन का क्लासिफिकेशन हमने किया था, कितने तरह का कॉलिजन था, कौन कौन सा, ये पढ़ाया हुआ था आप लोगों को, इलास्टिक कॉलेजन, नरे डमरो, दूसरा कौन सा, इन इलास्टिक, कंफर्म हो, और उसके बाद कौन सा पढ़े थे हम लोग, कौन सा, परफेक्टली इन इलास्टिक, कौन सा, परफेक्टली
इनइलास्टिक, एम आई राइट और नॉट? बताइए इलास्टिक कोलेजन की खास बात क्या थी? इलास्टिक कोलेजन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कोलाइडिंग बॉडीज यस सेपरेट आफ्टर कोलेजन, और कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन कंफर्म हो, मैं मान लूं कि समझ में आ गया था, वेरी गुड। इन इलास्टिक कोलेजन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, कोलाइडिंग बॉडीज सेपरेट जस्ट आफ्टर कोलेजन, एम आई राइट? और कोएफिशिएंट रिस्टिट्यूशन कहां से कहां ले? जीरो से वन के बीच, कंफर्म हो? अरे आया, ये बात दिमाग में बैठा हुआ था? परफेक्टली इन इलास्टिक में लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस, एम आई राइट और नॉट? और कोलाइडिंग बॉडीज सेपरेट, कोलाइडिंग बॉडीज डू नॉट सेपरेट जस्ट आफ्टर कोलिजन, व्हाट डज इट मीन? इट मींस बोथ ब्लॉक्स, बोथ बॉडीज विल मूव विद कॉमन वेलोसिटी, विद कॉमन वेलोसिटी, एम आई राइट? एम आई राइट और नॉट? दो बॉडी मिलकर के एक बॉडी हो गया, तो एक ही साथ में मूव करेगा जी, एक ही साथ मूव करेगा। और ई का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? ई का वैल्यू कितना? ई का वैल्यू कितना? ई का वैल्यू कितना? ई का वैल्यू कितना? समझ में आया था बालक? अच्छा ये बताओ जरा मुझे, अगर 0.6 है कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, कौन सा कोलेजन, और ई का वैल्यू 0.37 हो जाएगा, तो ई का 0.8, तो ई का 0.1, तो ई का वैल्यू 0, तो वाह रे वाह, वाह रे वाह, समझ में आ रहा? ई का वैल्यू 0 तो परफेक्टली इन इलास्टिक, ई का वैल्यू 1 तो, ई का वैल्यू 1 तो, अच्छा ई का वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है कि नहीं? ई का वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है? तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ते नहीं हो क्या रे? बहुत पढ़ा करो। ई का वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है, न्यूक्लियर फिजन का नाम सुने हो तुम लोग? कहां पे? न्यूक्लियर फिजन। इन जनरल जो हम लोग कोलिजन पढ़ रहे हैं कोलाइडिंग बॉडीज की भी, वहां पे तो बात नहीं, लेकिन न्यूक्लियर फिजन में ई का वैल्यू क्या लिखा था एनसीईआरटी बुक तो लिखता है ही, ई का वैल्यू 1 से क्या होता है? ज्यादा भी हो सकता है, याद रखना ना, ई का वैल्यू ज्यादा भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? चलिए खैर कोई बात नहीं, ये बात दिमाग में बैठा हुआ अच्छे से। चलिए ये कॉपी किया हुआ है सबका ना? लास्ट क्लास को अटेंड किए थे? कुछ छुटे भी थे क्या? कोई अटेंड नहीं किए थे क्या? कौन अटेंड नहीं किया था? क्यों अभिजीत? आउट ऑफ। चलिए हल्ला नहीं, अब थोड़ा सा इस चीज को समझ लो जरा, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन समझ लो ना। मैं बार बोल रहा हूँ, नीट का बैच है, एकदम छोटा छोटा लफ्ज में ही सब चीज बोलते हुए निकलेंगे, एकदम बड़ी बड़ी बातें कुछ नहीं करना है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने शुरू अगर करोगे तो छोटा छोटा बात भी गुम हो जाएगा, और उससे कुछ नहीं, एक किसी भी सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने का, किसी भी फेनोमेना को रिप्रेजेंट करने का अपना एक तरीका होता है, मतलब छोटे छोटे लफ्जों में या कह सकते हो आम भाषा में कहते हुए निकलेंगे ना, उसको तुम लोग समझ लेना। ऐसे ही हाथ आप लोग का तंग रहता है मैथ्स में, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना अच्छे से ना। एक बात है जिसको मैं समझा दूं, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या है, जो जिक्र हुआ बहुत बार, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन समझने का कोशिश करना, अच्छे से सीखोगे ना। कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, एक साइंटिस्ट थे जो हर जगह हाथ पैर मारते रहते थे, याद है आपको? वो कौन सा चीज है जो छोड़े हैं हर जगह, चाहे पानी खोलने का प्रोसेस, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, यहाँ पे भी ये भी बात न्यूटन साहब ने ही दिया है ना, ये न्यूटन लॉ ही है, जो कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट है न्यूटन साहब का ही दिया हुआ है, और न्यूटन पूरा कैलकुलस ही उनका बनाया हुआ है, तो न्यूटन साहब हर जगह अवेलेबल है, समझो तो हर जगह अवेलेबल, उनका बात बहुत आम रहता है, आइंस्टाइन जैसा कोई बड़ा बड़ा बात नहीं होता है, एकदम आम चीज होता है, वो चीज जरूरी भी है, प्रैक्टिकल है, वो लगता भी है आसपास, देख रहे हो पूरा। अब दिमाग में बैठा करके मत रखना, ये जो गलत फहमी पाल के रख रहा है कौन, तो दिमाग में बैठाते हो ना कभी, एप्पल गिरा था तभी वहीं से शुरू हुआ था, अरे पहले से उनको बहुत दिमाग में बहुत कुछ बातें रही होगी ना, नहीं तो बहुत लोग उलझ जाओगे, बहुत बड़ी बड़ी बात है और बहुत अच्छा अच्छा बात बोला हुआ उनका,
और ऐसा नहीं है कि बेकार की बात है, सब चीज प्रैक्टिकल है। आइंस्टाइन तो ऐसा ऐसा कुछ बात बोल करके निकल भी गए हैं जो आपके दिमाग से अभी इस एज में तुम लोग को समझ में भी नहीं आए, समझने की कोशिश करोगे तो ना समझ में आ गया। हाँ तो कॉफिशियंट ऑफ ये न्यूटन साहब का दिया है, न्यूटन लॉ है ना, ये कौन सा लॉ है, न्यूटन। बताइए जरा, न्यूटन लॉ ही बोल सकते हो। अच्छा, कॉफिशियंट डिस्ट्रीब्यूशन को जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ई से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई से। थोड़ा इसको समझने का कोशिश करना तुम लोग ना, चलो ध्यान दो क्या है कॉफिशियंट डिस्ट्रीब्यूशन। पहली बात तो तुम लोग सुनो, लाइन ऑफ इंपैक्ट का मतलब समझो, लाइन ऑफ इंपैक्ट किसको बोलते हैं ना, एकदम आम भाषा में बोलूंगा, कोई बड़ा चीज नहीं बोलूंगा। जैसे मैं मान लेता हूं एक पार्टिकल है, एक बॉडी, क्या है एक बॉडी, इसका मास मान लेता हूं m1 है, कितना मास है m1, ये u1 की रफ्तार से आगे की ओर जा रहा है, इसका सेंटर यहां पे होगा। दूसरा कोई बॉडी है m2, क्या है बॉडी है जिसका मास क्या है m2 है, और इसका सेंटर यहां पे होगा, किस रफ्तार से जा रहा है, u2 रफ्तार। सोचो अगर दोनों को सेंटर से मिलाने वाला जो लाइन बन रहा है, ये दोनों को सेंटर को मिलाने वाला एक लाइन जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ इंपैक्ट। यही दिमाग में अभी बैठा कर रखो, यही है ही लाइन ऑफ इंपैक्ट। एम आई राइट और नॉट, लाइन ऑफ इंपैक्ट। अरे कोई प्रॉब्लम, तो अगर देखो जब आ रहा होगा तो सिचुएशन कैसा होता होगा, ध्यान से सुनना जरा। यहाँ पे आया होगा, अभी कॉलिजन अगर होना है, कॉलिजन अगर होना है तो सोच करके बताओ मुझे ये सिचुएशन कब का है, जेबीसी जस्ट बिफोर कॉलिजन का सिचुएशन, जेबीसी समझोगे ना, जस्ट बिफोर कॉलिजन का सिचुएशन है। अगर कॉलिजन होना है तो E1 को कम होना पड़ेगा या ज्यादा, E1 शुड बी ग्रेटर देन U2। अरे यार ये ज्यादा होगा तभी ना जा करके उसको कैच करेगा, अरे करेगा कि नहीं करेगा, तभी ना कॉलिजन होगा। तुम बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ा के रखा हूँ आप लोग को, अगर कोई पार्टिकल ए जो है, मैं मान लेता हूँ पार्टिकल 8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है, कितना रफ्तार से जा रहा है भाई, और यहाँ एक पार्टिकल है जो जा रहा है आपका, मैं मान लेता हूँ 12 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है, किस रफ्तार से जा रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार। आप मुझे बताओ अगर 12 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है तो आप लोग बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, सिंपल सा। इसको क्या करते थे, घुमा करके इसको रेस्ट में लाते थे ना आप, 8 इधर देते थे, इधर भी 8 दे देते थे, तो इसको भी 8 देते थे कि नहीं, अरे इसको भी 8 दिए 8 मीटर पर सेकेंड, तो इसको भी 8 मीटर पर सेकेंड देते थे कि नहीं देते थे, तो रेस्ट में आ जाता था बेचारा, और एक किससे 4 मीटर पर सेकेंड से अप्रोच करेगा कि नहीं, मतलब हर इस बॉडी से ए बॉडी जो है, इस बॉडी का हर सेकेंड 1 सेकेंड में 4 मीटर करीब होते जा रहा था कि नहीं, वही ना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पे अगर बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहाँ पे, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता बताइए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहाँ पे क्या होता, सीखने का कोशिश करना। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मैं लिखूंगा नहीं, बड़ी बड़ी बातें, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, अरे क्लियर है ना। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा बोलो, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट वगैरह वो सब दिमाग में बैठा कर रखोगे, अरे रखोगे कि नहीं रखोगे, दिमाग में बैठा रहेगा ना, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा आप खुद बताओ, u1 - u2, वेक्टर का सिंबल यूज करते हुए चले ना, अरे चले ना, आई कैप जे कैप इस तरह का नहीं ले, तो अगर इधर u2 है तो इधर भी u2 दिए थे, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो गया बोलो, u1 - u2, किसको रेस्ट में लाए आप, किसको रेस्ट में लाए आप, तो अगर u2 इधर था तो आप u2 इधर दिए, तो इसको भी u2 इधर देना है, वो सब आता है आप लोगों को, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाया हूं मैं अच्छे से, अरे कोई दिक्कत, समझ में आया, गुड वेरी गुड। अब बताओ क्या होगा कॉलिजन के वक्त, क्या होगा कॉलिजन के वक्त, क्या होगा बताइए जरा मुझे, कॉलिजन के वक्त यही ना होगा, ए बॉडी है और दूसरा बॉडी है, ए दे वांट टू ऑक्यूपाई द कॉमन स्पेस, इसी तरह का कंडीशन आता है ना, एक कब का है, ड्यूरिंग कॉलिजन कुछ इस तरह का होता हो, सब ठीक ठाक है ना, चल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये क्या है ADC, ये क्या क्या है ड्यूरिंग कॉलिजन का सिचुएशन, कैसा कॉलिजन है ड्यूरिंग कॉलिजन, अरे चलिए अब देखो उसके बाद क्या होगा, आप सोच करके देखो, ए है इसका मास, मैं मान लेता हूँ M1 ही, मास तो कंजर्व है अरे भाई, मास चेंज थोड़ी हो रहा है अभी, अब ये क्या है M2, अब सोच करके देखो, ए लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग का ही चर्चा करना है हम लोग को, यहाँ देखो इसका सेंटर है, इसका सेंटर होगा, यही ना लाइन ऑफ इंपैक्ट है। अब सोचो कॉलिजन एक लाइन के अलोंग हो रहा है, अगर आप सोचो तो ए वाला ब्लॉक ऐसे चढ़ते हुए ऊपर से चढ़ करके निकलेगा क्या, ए बॉडी तो पीछे ही रहेगा ना रे,
ए बॉडी हमेशा पीछे ही है और ए बॉडी आगे ही रह रहा है। मान लेता हूं ए वेलोसिटी, ये किस स्पीड से चला होगा आगे की ओर, मैं मान लेता हूं v2, और एक किस स्पीड से वेलोसिटी वेक्टर v1, अरे चला होगा कि नहीं चला होगा। ये कब का सिचुएशन है, कॉलिजन के बाद का सिचुएशन है, कॉलिजन के बाद का सिचुएशन है, ये जस्ट आफ्टर कॉलिजन है, जस्ट आफ्टर कॉलिजन। अरे कोई प्रॉब्लम, अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताओ मुझे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में कौन कह रहा था, अप्रोच ये कर रहा था ना, यू टू को रेस्ट में लाया थे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये आगे है, एक किस स्पीड से किस वेलोसिटी से जुदा हो रहा है इससे, तो अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर बोला जाए तो इस पार्टिकल को रेस्ट में ले आओ, इधर क्या करोगे आप v1 दोगे, इधर भी क्या दोगे v1, वो क्या हो जाएगा v2 माइनस v1। तो अगर आपसे कोई पूछे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हुआ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फिर से मैं चर्चा कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट जस्ट आफ्टर कॉलिजन, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया बोलो, v2 माइनस v1। अरे कोई प्रॉब्लम, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, मतलब ए किस रफ्तार से इसको अप्रोच कर रहा है, तो ए यू वन माइनस यू टू, एम आई राइट, यू2 को रेस्ट में ले आओगे, बटे दूसरा बोलो जिसका मास m2 उसको रेस्ट में लाओ, तो u2 इधर देते घुमा करके, इधर घुमा करके दोगे तो u1 माइनस u2, u1 तो ज्यादा है तभी ना कॉलिजन हो रहा है, अरे अगर u1 ज्यादा नहीं होता तो कॉलिजन होता क्या, u1 ज्यादा है तभी ना कॉलिजन हो रहा है, तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा वो क्या होगा, u1 माइनस u2। बात समझ में आ रहा है, अब यहाँ पे बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये आगे की ओर भाग है तो बेचारा पीछे ही है ना, तो अगर कोई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोले तो किसको पीछे है, किसको रेस्ट में लाओगे, यस m1 को रेस्ट में लाने के लिए v1 इधर दिया तो इधर भी v1 दोगे, तो v2 माइनस v1 ही ना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रहा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन समझ में आया कि नहीं। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का तो यहीं से बन जाता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का कांसेप्ट से ही बन जाएगा, इसलिए इसको दिमाग में अच्छे से तुम लोग बैठा करके रखोगे। अरे क्लियर है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकल जाएगा, अरे कोई दिक्कत, बात समझ में आया आप लोग को। तो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या है, देखो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन जो है वो न्यूटन साहब ने दिया है, यही है सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट, वो क्या है, एक कांस्टेंट, किसी भी कॉलिजन के लिए वो कांस्टेंट ही डिसाइड करता है कि कॉलिजन कैसा है, इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक, बात समझ रहे हो। तो कॉफी चूंकि ध्यान तो देना ही पड़ेगा आप लोग, कॉफिशियंट ऑफ रिस्टिट्यूशन अगर कोई बोलता है, कॉफिशियंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या है, कॉफिशियंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या है, तो कॉफिशियंट ऑफ रिस्टिट्यूशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे बालक, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से सिंबलाइज, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मैं पूरा तो लिखूंगा नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जस्ट आफ्टर कॉलिजन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जस्ट बिफोर कॉलिजन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। इसको और भी तरह से डिफाइन किया जाता है लेकिन अभी नीट में उतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है ना, इसको डिफाइन करने का और भी तरीका है लेकिन उसको दिमाग में मत बैठाओ अभी फिलहाल के लिए ना, जब वक्त आएगा तो उसको भी समझाऊंगा, नहीं समझ में आया। तो अगर कोई पूछा कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या है, तो दैट इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट जस्ट आफ्टर कॉलिजन, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट जस्ट बिफोर कॉलिजन। बात कुछ समझ में आया, अरे आया या नहीं आया, सुन रहे हो, समझ आ रहा है, दिक्कत नहीं ना हो रही है, लाइव तुरंत बंद कर दूंगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी दिमाग, इसीलिए प्रेजेंट में रह करके ही सब चीज सोचने का कोशिश करना, दिमाग में अगर ये बैठा करके रखे होंगे यहाँ नहीं समझ में आया तो घर पे जाके सुने, मैं तुरंत ऑफ कर दूंगा, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, इसलिए ध्यान से सुनने का यहीं पे ना, ये सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी यहीं पे ध्यान देने का, क्लियर है। तो बता वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हुआ बोलो, वी टू माइनस वी वन अपॉन ई वन माइनस यू टू, ये याद रह पाएगा कि नहीं, अरे याद रह पाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत, एक कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन दिमाग में बैठा आप लोग को, इसको दिमाग में आपको बैठा कर रखना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो हम लोग केस कह रहे हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूं, आइडियल केस अलग है, प्रैक्टिकल केस अलग है, प्रैक्टिकल कॉलिजन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग उसको आइडियलाइज करके आइडियल कंडीशन को पढ़ रहे हैं, कि उसी के प्रैक्टिकल केस का बिहेवियर इधर उधर रहता है थोड़ा बहुत, और क्या,
अरे यही ना करते हम लोग, तो ये बताइए इसको हम लोग ने किससे रिप्रेजेंट किया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को, ई से। किससे रिप्रेजेंट करा? ई से। ई क्या रहा भाई बताओ? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या था? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या था? v1 माइनस v2 माइनस, वो जो जैसे भी माने हो आप, यहां पे v2 माने हो ना आप, तो क्या होगा? v2 माइनस v1 अपौन क्या? e1 माइनस। अरे कोई प्रॉब्लम? अब आपके दिमाग में ये भी बातें आ सकती है कि सर ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू आप ऐसे क्यों ले रहे, इधर वेक्टर दिखा रहे, वेक्टर का डिफरेंस तो वेक्टर ही होगा ऐसा, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या डाल सकते हो? मॉड डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। बात को समझ में आया? अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बार बार एक ही बात को नहीं बोलते रहोगे, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन का कांसेप्ट दिमाग में बैठा हुआ। अरे कोई दिक्कत? समझ में आया? अब ई का वैल्यू ही ना डिसाइड कर रहा है कि कोलिजन कौन सा है। तो याद रखना अभी के लिए आपके लिए ई का जो वैल्यू है कहां से कहां लाइक करेगा आप? 0 से 1 तक। एक्सेप्शन जो था वो मैं चर्चा कर दिया हूं तुम लोग को, याद है ना न्यूक्लियर फ्यूजन का, वहां पे ई का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है। अरे बात समझ रहे हो? अब बताओ अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ए क्या है, ई का वैल्यू कहां से कहां लाइक कर रहा है? 0 से 1 के बीच। आप बताइए कैसे पता करेंगे कोलिजन कौन सा है? तो आप बताइए जरा, अगर ई का वैल्यू, अगर ई का वैल्यू 1 रहा तो कोलिजन कैसा हो गया बताइए? इलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन। आप खुद बताओ अगर ई का वैल्यू 1 रहा इलास्टिक कोलिजन के लिए, तो सेपरेशन वेलोसिटी क्या अप्रोच वेलोसिटी के बराबर नहीं होगा? या बोल सकते हो सेपरेशन स्पीड जो होगा अप्रोच स्पीड के बराबर नहीं होगा? तो आप सोच सकते हो अगर कोलिजन कैसा है अगर इलास्टिक कोलिजन है, कैसा कोलिजन है? अगर इलास्टिक कोलिजन है, कैसा कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन है। तो यहां से कंक्लूजन ये बात निकल रहा है दिमाग में बैठाना होगा कि जो सेपरेशन स्पीड जो होगा वो किसके बराबर होगा? अप्रोच स्पीड के बराबर। यस, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके बराबर? यस, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगा वो किसके बराबर होगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगा वो किसके बराबर होगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर। अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? इलास्टिक कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं है। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन बराबर है, समझ में आ रहा है? ड्यूरिंग कोलिजन चर्चा मत करना, ड्यूरिंग कोलिजन अलग फेनोमेना होता है ना। कोलिजन के पहले का काइनेटिक एनर्जी जोड़ो, कोलिजन के बाद का काइनेटिक एनर्जी, वो भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स का नहीं सिस्टम का, समझ रहे हो ना? इंडिविजुअल वेलोसिटीज तो एक्सचेंज होता ही है, लेकिन सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा? क्या होगा कावेरी? कंसेप्ट समझ में आया? द ग्रेट रेस्टोरेंट। और समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों? अच्छा, ई, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा, निश्चित रहो। अब ई का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइक कर रहा है? ई का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइक कर रहा है? 0 से 1। तो कौन सा कोलिजन रे बाबू लोग? कौन सा कोलिजन रे बालक? अरे कौन सा कोलिजन रे बालक? इन इलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन? इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, एम आई राइट और नॉट? कौन सा कोलिजन? इन इलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन? अब इसमें बताओ कौन ज्यादा कौन बड़ा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बड़ा या वेलोसिटी अप्रोच बड़ा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगा वो क्या होगा? छोटा होगा ना रे डमरू। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? छोटा। वेलोसिटी ऑफ किससे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। अरे छोटा होगा कि नहीं होगा? क्या हो गया इसको यार? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। ये मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं, ये दिमाग में बैठा लेना। कैसी चर्चा चल रहा है? मैग्नीट्यूड वाइज चर्चा चल रहा है ना, ये कंफ्यूज मत हो जाना। समझ रहे हो? मोड में डाल दो क्या? अरे कोई दिक्कत? समझ आओगे ना? चलिए अच्छा ये बात। अच्छा ई का वैल्यू क्या होगा लास्ट बताओ जरा? ई का वैल्यू क्या है? 0। आदित्य पिट जाओगे। ये कौन सा कोलिजन होगा बताओ? कौन सा कोलिजन?
यस परफेक्टली इन इलास्टिक कोलेजन. कौन सा कोलेजन? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलेजन. लाइट को आना है आने दो, जाना है जाने दो, यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट इट. परफेक्टली इन इलास्टिक कोलेजन. इस केस में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ही जीरो हो गया. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा बालक? जीरो हो गया. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ही क्या हो गया? जीरो. कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? क्लियर है? ये बातें दिमाग में बैठा तो इसको आप लोग कॉपी कर लो तत्काल. अच्छा अभी भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा दिमाग में बैठा कर रखना. अभी आप जो उछल रहे हो ना, उछलना बंद हो जाएगा. अभी ये नहीं है कि केवल अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, कोई जरूरी नहीं है. और डेफिनेशन में डिफाइन तो किया ही गया है कोएफिशिएंट और रिस्ट्रिक्शन को. ऐसा ये मत सोचना कि हमेशा तुम लोग को 1D ही मिलेगा आपको निकालने के लिए. समझ में आ रहा है? अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट कंसीडर करना, ध्यान से सुनना है आप लोग को. लाइन ऑफ इंपैक्ट कैसे सिलेक्ट करना है वो अगर गौर करोगे तो तुम लोग को दिक्कत नहीं होगी. लाइन ऑफ इंपैक्ट पे थोड़ा गौर करना है, लाइन ऑफ इंपैक्ट पे गौर करना है. यहां तक कोई दिक्कत है आप लोग को? लाइन ऑफ इंपैक्ट कैसे सिलेक्ट करेंगे, ध्यान से सुनो. जैसे अगर मैं मान लेता हूं, सोचो तुम लोग खुद बताना जरा, अगर कोई बॉडी यहां से आ रहा है ऐसे, इसका मास क्या है? m1. इसका मास क्या है? m1. ये किस रफ्तार से आ रहा है? इधर v1, u1 मानते थे ना पहले. क्या है ये? e1 वेलोसिटी से आ रहा है. किससे वालक? e1 से. और दूसरा कोई है बॉडी जिसका मास क्या है? m2. किस वेलोसिटी से आ रहा है? u2 से. अरे आ रहा है क्या? u2 से. सोचो जब कॉलिजन होगा उस समय क्या होगा, गौर करो. यहीं पे ना आएगा, ए वाला यहाँ पे आएगा और ए वाला यहाँ पे आएगा कि नहीं? इसी तरह का कुछ होगा, केसेस बनेगा. तो सेंटर को सेंटर से मिलाओ, इसका सेंटर और इसका सेंटर को मिलाओ, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट यही ना हुआ रे डबरू. तो इसके अलोंग लिखना है आपको सेपरेशन स्पीड और अप्रोच स्पीड, सेपरेशन वेलोसिटी और अप्रोच वेलोसिटी. बात को समझ रहे हो? ए है लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये क्या है? लाइन ऑफ इंपैक्ट. ऐसा बहुत सारे केसेस मिलेंगे. जैसे आप लोग याद करो, तुम लोग मोमेंटम का क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, तो वहां पे एक इलास्टिक वॉल होता था, याद है? अरे एक वॉल होता था, वॉल कंसीडर करते थे. यहां से एक बॉल को आता था, टकराता था, यहां टकराया ऐसे आकर के, अरे टकराता था और ये लौटता था. ये इलास्टिक वॉल होता था तब ना इक्वल एंगल बना करके लौटता था. तो यहाँ पे लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होगा? जैसे ही आया यहाँ पे आया बॉल, अब इसका सेंटर से इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ए रहा. क्या रहा ये? लाइन ऑफ इंपैक्ट. गौर कर रहे हो? ये क्या रहा? लाइन ऑफ इंपैक्ट. लाइन ऑफ इंपैक्ट का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जैसे अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ग्राउंड है, दिस इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ग्राउंड. अब यहां से एक बॉल को ऐसे टकरा करके फेंका गया है, ऐसे बॉल है, एक बॉल को ऐसे फेंका गया, ऐसे देख रहे हो, ऐसे आया. ये मत सोचना जैसे यहाँ पे आया, बताओ लाइन ऑफ इंपैक्ट अगर मुझे पता करना है, आप क्या करोगे लाइन ऑफ इंपैक्ट पता करने के लिए? इसका सेंटर, अरे पता है, ढूंढो इसका सेंटर. ढूंढे आप इसका सेंटर, ढूंढे तो क्या होगा? यही होगा लाइन ऑफ इंपैक्ट. ये क्या रहा? इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ इंपैक्ट. बात को समझ रहे हो? तो लाइन ऑफ इंपैक्ट का कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जब कोएफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन का कंसेप्ट जब पढ़ रहे होगे तो लाइन ऑफ इंपैक्ट जो होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. इलास्टिक कोलिजन के लिए का वैल्यू? परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए और इन इलास्टिक के लिए? बात को समझ रहे हो तुम लोग? अभी इस पर बहुत अच्छा अच्छा बात किया जा सकता है, जितना जरूरत है उतना ही बात करूंगा, लेकिन बहुत अच्छा अच्छा बात भी किया जा सकता है. आप सोचो, देखो गुलशन को जो मुस्कुरा रहा है, बताओ तो इसका मुस्कुराना कुछ बात है क्या जी? देखो तो जरा, ये अगर मैं मान लेता हूँ ये इधर से इधर एंगल बना करके जा रहा है, मान लेता हूँ ऐसा हो सकता है, और एक दूसरा बॉडी है वो इधर आ रहा है ऐसे. अब लाइन ऑफ इंपैक्ट अगर देखना हो तो क्या करोगे आप? सेंटर को सेंटर से मिला दो, सेंटर को सेंटर से मिला दो, यही ना लाइन ऑफ इंपैक्ट हो गया. बात कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे झूठ बोल रहे हो, समझ आया? जो मैं चर्चा कर रहा हूँ ये दिमाग में बैठा? कोएफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन की चर्चा कर रहे थे हम लोग. कोएफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या था याद करो? कोएफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन समझना है अच्छे से, ध्यान देना जरा. क्या है बताइए? कोएफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन, इसको मोड में यहां डाल दे रहा हूं ना, क्योंकि ई एक नंबर है, इसलिए इस कंफ्यूज मत होना ना, ये दिमाग में बैठा करके रखना. अरे कोई दिक्कत?
तो क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलते हुए ध्यान में रखना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट जस्ट आफ्टर कॉलिजन, और ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखते हुए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट जस्ट बिफोर कॉलिजन। ये समझ रहे हो ना, ऐसे ही नहीं उड़ा देना है अंधाधुंध एकदम। चलो इसके बाद ये बात दिमाग में बैठा है ना, इसके बाद हमने क्या चर्चा किया भाई, आप बताइए e का जो वैल्यू है आइडियल केस के लिए कहां से कहां लाई कर रहा है, जीरो से वन। e का वैल्यू ही डिसाइड करता है वेदर द कॉलिजन इज इलास्टिक इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, एम आई राइट और नॉट। अगर e का वैल्यू वन रहा तो कैसा कॉलिजन, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का जो मॉड होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का जो मॉड होगा मैग्नीट्यूड जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ किसके बराबर होगा, अप्रोच। अरे होगा कि नहीं होगा, इसमें कंफ्यूज मत होना, अरे क्लियर है। एक ऐसा कॉलिजन होगा e का वैल्यू वन अगर रहा तो कौन सा कॉलिजन, दिमाग में बैठा, e का वैल्यू अगर जीरो वन के बीच लाई करे तो कैसा कॉलिजन, और e का वैल्यू अगर जीरो रहा तो, e का वैल्यू अगर जीरो रहा तो, एक केस और भी मैं डिस्कस कर दे, अगर e का वैल्यू वन से बड़ा रहा तो ये बात हो सकता है, e का वैल्यू वन हो से वन से ज्यादा हो सकता है, अरे क्लियर है ना, ये दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा। लाइन ऑफ इंपैक्ट का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, लाइन ऑफ इंपैक्ट का सेंटर, दो कोलाइडिंग बॉडीज होंगी उनके सेंटर को सेंटर से मिला लो, अभी तक यही दिमाग में बैठाना है, वही क्या कहलाएगा लाइन ऑफ इंपैक्ट। मैं बाहर समझा पा रहा हूं, जो समझाना चाह रहा दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, तो तुम लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए हो इस पे, याद आ रहा होगा आप लोग को, मैं तुम लोग से पूछता हूँ, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, सीखना केवल ना, याद करो। एक ग्राउंड है, क्या है, दिस इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ग्राउंड। मैं छोटा भी एग्जाम्पल ले सकता था, लेकिन बड़ा ही एग्जाम्पल से शुरुआत कर रहा हूं, ई का वैल्यू लिखना ना। आप सोच करके देखो, यहां से एक बॉल आ रहा है, ध्यान से सीखने का, अच्छे से सीखने का। इस बॉल का मास मैं मान लेता हूं एम है, आदित्य पिटोगे तुम, कोई भी हल्ला करेगा मैं तुम्ही को मारूंगा, वो दो रो में, सुन ले। जब कोई बात ध्यान से समझाया जाए, मुझे पता है तेरा औकात ना, यहां सबका औकात मुझे पता है, तो इसलिए ध्यान से सुनने का। यहां आर्गू करो ना बोर्ड पे, मैं एकदम पूरा, मैं इसीलिए आपके करीब आप लोग को एकदम इतना हंसाते रहता हूं, एकदम आराम से पुचकारते रहता हूं, दुलारते रहता हूं, नाम से बुलाता हूं कि सर पे चढ़ जाओगे क्या, इसलिए कि कम्युनिकेशन गैप ना रहे, टीचर के अंदर जो फॉल्स ईगो रहता है ना उससे दूर मैं भागता हूं, मैं फॉल्स ईगो कैरी नहीं करता हूं। जो डाउट है वो तुरंत पूछिए, तो उसको दूसरे वे में मोड़ देते हो आप लोग बेवकूफ कहीं का। अब बोलो, अगर ए आ रहा है, किस रफ्तार से आ रहा है, यू रफ्तार से, किस रफ्तार से आ रहा है, यू वेलोसिटी से आया, यहां पे आकर के टकराया। ए जब भी यू वेलोसिटी बोलता हो तो दिमाग में बैठना होना चाहिए जस्ट बिफोर कॉलिजन का वेलोसिटी है, जस्ट बिफोर कॉलिजन का, ए नहीं कि बहुत दूर से आ रहा है तो ऐसे, जस्ट बिफोर कॉलिजन। यहाँ जो भी सिचुएशन जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ड्यूरेशन ऑफ कॉलिजन जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, वो गैलेक्सीज में कहीं दो कह सकते हो हेवीली प्लैनेट का नहीं कॉलिजन हो रहा है, वो यहाँ जो पढ़ रहे हैं हम लोग एकदम आइडियल केस वाला पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो, ड्यूरेशन ऑफ कॉलिजन बहुत छोटा होगा, इसलिए जस्ट बिफोर कॉलिजन जस्ट आफ्टर कॉलिजन का चर्चा करना जरूरी होता है। तो जैसे ही आ रहा है उसके पहले इसका वेलोसिटी कितना है, यू। अब बताओ इसका आया तो तुम लोग को लाइन ऑफ इंपैक्ट दिखाना, मैं सिखा ही दिया हूँ बाबू। लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या, जैसे यहाँ पे कॉलिजन अगर होता तो लाइन ऑफ इंपैक्ट इसके परपेंडिकुलर, तो मैं बार बार क्या लिखूं, मैं यहाँ पे एक बार बता ही दिया हूँ लाइन ऑफ इंपैक्ट यही होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। मैं ये भी तुम लोगों को बोल देता हूँ कितना एंगल पे आकर के टकराया है, कितना एंगल पे आकर के टकराया, एक थीटा पे, कितना पे आकर के टकराया, थीटा। मैं ये भी बोल दे रहा हूँ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको ई बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना दिया हुआ है, ई। सोचो तो जब बॉल टकराएगा तो किस स्पीड से, किस रफ्तार से बाउंस बैक करेगा और कितना एंगल बनाते हुए बाउंस बैक करेगा। ऑब्वियस ही बात है कि आया यहां से और ए कैसे लौटेगा, ये लौटेगा यहां से ऐसे, अरे ऐसे ही नहीं लौटेगा। अब एक गलत फहमी रहती है कि थीटा से आया तो थीटा से लौटेगा, अरे वो इलास्टिक कॉलिजन होता तब ना लौटता। यहां मैं जनरल केस डिराइव करना चाह रहा हूं, मैं यहां क्या बताना चाह रहा हूं, जनरल कॉलिजन कैसा है मुझे नहीं पता है कि इलास्टिक कॉलिजन है इन इलास्टिक कॉलिजन है, मुझे तो पता नहीं है, इसलिए मैं जनरल केस डिराइव करना चाह रहा हूं। तो आप सोच कर देखो, मुझे नहीं पता है कि क्या है, यहाँ पे मेरे पास डायग्राम तो है,
इस एंगल को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, फाई बोल दे रहा हूँ, क्या बोल दे रहा हूँ, फाई। और जिस रफ्तार से निकल रहा है बॉल, जिस रफ्तार से बॉल निकल रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, भी स्पीड बोल दिया, कितना बोल दिया, भी वेलोसिटी। अरे कोई प्रॉब्लम, मैं यहाँ इसका फायदा उठा सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ कि दूसरा डायग्राम भी बना देता हूँ, ये हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ जरा, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट का कांसेप्ट है इंपॉर्टेंट ना, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो लगता हो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ही ना चर्चा किया जाता है। आप बताओ जरा मुझे, मुझे तुम लोग बताओ, पढ़ा करके भी रखा हुआ है, ए अगर यहां पर टकरा था वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो, अरे वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो, तो मैं यही रिजोल्व कर दूं क्या, तो अगर मैं यही रिजोल्व करता तो ये कौन सा वेक्टर है बताइए, यू, अरे यू वेलोसिटी वेक्टर है ना, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट आता तो यही डायरेक्शन है लाइन ऑफ इंपैक्ट का, अरे बुआ, तो एक किस रफ्तार से टकराता तो ए वाला अगर थीटा है तो ए वाला भी क्या होगा एंगल, कैसे रे बाबू, अल्टरनेट एंगल से, कौन सा एंगल, तो अगर ए यू है तो इसका एक कंपोनेंट क्या हो गया बोलो, यू कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा बोलो, यू साइन थीटा, एम आई राइट। तो तुमसे मैं पूछ रहा हूं बताओ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट जस्ट बिफोर कॉलिजन कितना हुआ, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या पढ़ा के रखा हूं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या पढ़ा के रखा हूं मैं आप लोग को, किससे अप्रोच किया है बोलो, बरा जरा बताओ जरा, देखो पीछे डेफिनेशंस पढ़ाया हुआ है, बताइए, देखो यहां पे लिखा हुआ है एकदम सिंपल सा फंडा है, क्या है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ए यू टू को रेस्ट में लाते हो कि नहीं, ए यू वन है कि नहीं, अरे बातें समझ में आ रही है कि नहीं, तो अगर वेलोसिटी क्या है यू वन माइनस यू टू, तो टारगेट पार्टिकल यहाँ पे क्या है, क्या आ गया जी, अच्छा ये कैसे डिलीट होगा, अच्छा यहीं पे हो ना, अभी बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा बोलो, ये तो रेस्ट में, तो लिख सकते हो क्या हो जाएगा बोलो, ऐसे ध्यान से सुनना, यू वन माइनस यू टू ना, ये यू वन है ना, तो क्या हो जाएगा बोलो, केवल यू कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यू कॉस थीटा माइनस जीरो, और अगर वेक्टर फॉर्म में ले तो वेक्टर फॉर्म में लेकर दिखाओ क्या, वेक्टर फॉर्म में ले आई और जे लेकर दिखाओ क्या, ये समझ आ जाएगा, नहीं तो वेक्टर फॉर्म में भी लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, वेक्टर फॉर्म में लिख करके दिखाने की जरूरत ही ना है, चलिए यू कॉस थीटा माइनस जीरो हो। अब बताइए ए लौटा है यहाँ, आप सोच करके बताओ, इसका भी का भी दो कंपोनेंट ना रे डमरू लोग, ये क्या अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ही ना, अरे यार इसको अगर शिफ्ट करते तो यही आता ना, शिफ्ट करके भी दिखाई देता हूं बल्कि तुम लोग को, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लो सोचो यही है ना, ध्यान से सुनने का, ऐसे आया है वेलोसिटी वेक्टर क्या है, गौर से देखो, यही था आपका वेलोसिटी वेक्टर, यही ना हम लोग ने किया है, ये कितना एंगल है थीटा, ये वाला कितना एंगल हो गया, अरे हुआ, तो इसका कौन सा कंपोनेंट, एक कंपोनेंट कौन सा, इधर जो कंपोनेंट आया कौन सा आया कंपोनेंट, यू कॉस थीटा, अरे आया यू कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट कौन सा रहा, यू साइन थीटा रहा, अरे रहा कि नहीं रहा, एकदम समझने का है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आम सा चीज है, लेकिन जो समझाना है उसमें वक्त में ले रहा हूं ताकि सीखो अच्छे से। अच्छा बताओ ये क्या हो जाएगा बोलो, डायरेक्ट बता सकते हो, यू कॉस थीटा ही ना हुआ रे, कोई प्रॉब्लम, बातें समझ में आई, अच्छा अब ये गया है लौटा, बताओ भी का फिर अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट यही ना चर्चा करोगे, एक एक कंपोनेंट में इंटरेस्ट लेंगे, अब वेलोसिटी को रिजोल्व करोगे तो एक कंपोनेंट होगा तो एक इधर कंपोनेंट जाएगा कि नहीं रह जाएगा, ए फाई है तो ए वाला भी एंगल फाई होगा कि नहीं, इसी को ना बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है डम्बू, तो ये क्या हो गया भी है तो ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, भी कॉस फाई थीटा बोल रहा है, वाह रे नमूना, ये फाई एंगल है तो भी कॉस फाई, और इधर कौन सा कंपोनेंट, भी साइन फाई, भी साइन फाई। अब मैं आप लोग से पूछना चाह रहा हूं बताइए, ये कौन सा कंडीशन था हम लोग का, ए वाला कब वाला कंडीशन है, जस्ट बिफोर कॉलेजन, जस्ट बिफोर कॉलिजन वाला केस है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ, मुझे बताइए जस्ट आफ्टर कॉलिजन वाला सिचुएशन थोड़ा समझाइए मुझे जरा, जस्ट हाँ यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, बताइए क्या होगा जस्ट आफ्टर कॉलिजन, अरे यही है ना,
ए है, ए कैसे गया है, ऐसे गया है क्या, ये किस रफ्तार से गया है, वी वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी बोले हुए? इस एंगल को हमने क्या माना है, फाइव, क्या माना है हमने, फाइव, क्या माना है हमने, इसका एक कंपोनेंट कौन सा रहा इधर, वी कॉस फाइव, और इधर वाला कंपोनेंट क्या रहा, वी शाइन फाइव, एम आई राइट और नॉट? तो बताइए वेलोसिटी ऑफ, अगर मैं आपसे पूछू सेपरेशन कितना रहा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ध्यान से बोलना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट जस्ट आफ्टर कॉलिजन कितना रहा, तो क्या लिखोगे, U2 माइनस E1 लिखते हैं ना, वाह रे वाह, V2 माइनस V1 लिखते हो ना, तो V2 क्या है, जीरो, माइनस एक किधर जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो माइनस V cos 5, अरे होगा कि नहीं, बातें कुछ समझ में आई कि नहीं आई, फिर से ध्यान से देखो, ये क्या रहा, जो V2 है वो रेस्ट में है कि नहीं, तो V2 माइनस माइनस V1, अगर इधर ही डायरेक्शन रहता तो लेते केवल V cos 5 लिखता, लेकिन ये तो बाउंस बैक किया, उल्टा ना गया, अरे इसलिए माइनस V cos 5 लिया हम, अरे कोई दिक्कत, तो अब ये क्या हो गया बोलिए, माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, V cos 5, ये दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है क्या, तो अब बताइए कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाइएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन कैसे यूज कीजिएगा, बताइए कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन कैसे यूज कीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या होगा बोलो जरा, एकदम आराम से सीखने का, क्या हो जा रहा है लाइन को जी, लाइन को बहुत प्रॉब्लम है, क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, मैं क्या बार बार लिखते रहूं कोफिशिएंट रिस्टिट्यूशन, अब ई लिखूंगा तो तुम लोग खुद समझ जाओगे, ई किसके बराबर हो गया बोलो, ई किसके बराबर रहा, किसके बराबर रहा, ए, बात समझ में आया, कौन सा, V cos 5 अपॉन क्या, U cos, बातें कुछ समझ में आई, अरे आई, तो ये बात दिमाग में रखना होगा आपको, देख रहे हो यहाँ पे कैसे कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन तैयार करना है, ये दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा, ए नहीं के बस ऐसे उछल लेना एकदम, ले ले ले, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट सोचना, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, बात समझ में आया, अब अगर मैं ये लिख ही दिया तो सोचो कोलिजन के बाद क्या होगा, सोचो इसका ए वाला कंपोनेंट कभी चेंज होगा, रे यू साइन थीटा को तो भी साइन फाइव के बराबर होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कोलिजन जो हो रहा है अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट की बात ना हो रही है, उधर ना मोमेंटम का एक्सचेंज होता है, इधर तो कुछ एक्सचेंज ही नहीं है, इधर कोई इंपैक्ट हो रहा है क्या, तो इसका मतलब भी साइन फाइव को किसके बराबर होना पड़ेगा, तो थोड़ा सा जब समझा ही दिया तो पूरा चीज समझ ही लो, तो कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेंस कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, रिमेंस कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज वेक्टर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा ऑफ व्हाट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट, वेलोसिटी वेक्टर्स रिमेंस कांस्टेंट, वेक्टर्स विल बी सेम, विल बी सेम, तो यहां से एक बात तो आप दिमाग में बैठा ही सकते हो, क्या बैठा सकते हो बताओ जरा मुझे, देखो बताओ भी साइन फाई किसके बराबर, भी साइन फाई किसके बराबर, भी साइन फाई किसके बराबर, तो ये बात याद रख लो, भी साइन फाई जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, अरे बाबू यू साइन थीटा के बराबर, अरे कोई प्रॉब्लम, यहां से देखो तो यहां से भी कॉस फाई किसके बराबर आया था, समझा रहा था कुछ दूसरा चीज, समझाते समझाते और भी बातें सीख ले रहे तो सीख लेंगे, क्या होगा बोलो, V cos phi किसके बराबर, E into U cos theta, E into what, U cos theta, अरे इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दूं क्या, इसको सेकंड मान सकता हूं क्या, तो आप मुझे बताओ अगर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं तो फाइव ही नहीं निकल जाएगा क्या, सेकंड अपॉन फर्स्ट अगर कर दूं तो फाइव नहीं निकल जाएगा क्या, बताओ तो जरा क्या है, V sin phi अपॉन V cos phi, तो भी साइन फाइ इक्वल्स टू क्या है बोलो, यू साइन थीटा, हमने डिवाइड ही करना है ना बाबू, हम लोग डिवाइड ही तो कर रहे हैं, बताइए भी साइन अपॉन में क्या कर रहे हैं हम लोग, भी कॉस फाइ, अरे यार लिखा हो ना सेकेंड अपॉन फर्स्ट, डमरू यहाँ क्या लिखोगे बोलो, यू साइन क्या है, यू
अच्छा e into u cos theta ना, e into what u cos theta, am I right or not? बताओ जरा, भी उड़ जाएगा क्या? साइन फाइ अपॉन कॉस फाइ रे, टेन फाइ, कौन सा फाइ? और बताओ क्या यू यू कटा, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा रे नमरू, टेन थीटा अपॉन। आज के बाद ये रिजल्ट एकदम जुबान पे चढ़ा लेना एकदम। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डेरिवेशन आना है या नहीं, दिमाग में डेरिवेशन नहीं था, कंसेप्ट समझा रहा था एक कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड की, लाइन ऑफ इंपैक्ट का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। तो टेन फाइव अगर पता चला टेन थीटा भाई, अब बताओ इलास्टिक कोलिजन होता थी का वैल्यू 1, तो टेन फाइव टेन थीटा के बराबर हो जाता, तो फाइव थीटा के बराबर हो जाता कि नहीं? तो इलास्टिक कोलिजन में वो केस करते थे मोमेंटम वाला, याद है जितना 60 डिग्री पे आया था ये वाला, याद है 60 डिग्री पे आया था तो 60 डिग्री पे ही जाता था, 30 डिग्री पे आया था 30 डिग्री पे ही जाता, और दैट इज स्ट्रिक्टली वैलिड ओनली फॉर व्हाट, इलास्टिक कोलिजन, मोस्ट जनरल केस यही है। अरे कोई प्रॉब्लम, टेन फाइव किसके बराबर है? अब तुम्हारे अंदर चाहत ये भी उमड़ता होगा कि सर ऐसा कीजिए ना, अगर यू फाइव बता दिए तो भी बता दीजिए। तो भी बताने के लिए बहुत आसान सा चीज है, क्या करोगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर करके और क्या करो, ऐड कर दो। अरे यही तो करते आ रहे हैं कॉलेजन में भैया, साइन थीटा और कॉस थीटा के रिलेशन को यूज करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है कि नहीं? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। मैं ऐसे ही सिखा दिया, लेकिन यूज हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है कि नहीं? चलो तो यहां स्क्वायर करके ऐड करके देखो जरा क्या होगा, बोलो। अरे डमरू लोग, v स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस v स्क्वायर sin स्क्वायर phi, am I right or not? Will that be equals to what? E square into what? U square cos square theta plus U square sin square theta. Am I right? अरे clear है? Very good, very good, very good. अब बताइए जरा, आप यहाँ से V square common ले लोगे तो क्या बचेगा बालक? Cos square phi plus sin square phi. इसका value तो पता ही आप लोगों को, cos square phi plus sin square phi 1 होता है। अरे होता है कि नहीं? अब बताओ जरा यहाँ से क्या कॉमन ले लूं, यू स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा बोलो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा कि नहीं? अरे बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ जरा मुझे, यहाँ पे आप मुझे बता ही दो, ए भी स्क्वायर हो गया कि नहीं? कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 होता है कि नहीं होता है? तो आप बताइए अगर ये हो गया तो यहाँ क्या रहा, यू स्क्वायर इंटू व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अरे सही है सब ना रे, कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं ना हुई है? तो आप बताओ जरा भी किसके बराबर हो गया डमरू लोग, अंडर रूट ऑफ व्हाट, यू स्क्वायर इनटू व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसा भी कोलिजन हो उसके अनुसार ई का वैल्यू पुट करते रहे, अगर इलास्टिक कोलिजन हो जाता का वैल्यू क्या पुट करते, 1, तो u स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा फिर 1 हो जाता, तो क्या हो जाता, u स्क्वायर हो जाता, तो भी किसके बराबर हो जाता, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर होता, तो u होता कि नहीं होता? बहुत अच्छा बात है विद्या, समझ में आया? इस बात को आपको याद रखना ही है, जो ही नहीं आई है क्या, गुड, ये बातें दिमाग में बैठी। तो आप सोच रहे हो कि सर इतना क्यों बताए, मैं केवल कोफिशियंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन का कंसेप्ट बताने के लिए इतना चर्चा कर गया, आप नहीं तो रिजल्ट याद रख करके भी काम चला सकते हैं। अरे यार चला सकते हैं, आप बताओ हमने क्या किया, केवल यही चर्चा किया हो ना, यहीं तक चर्चा करना था मुझे, कोफिशियंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन कैसे निकाला जाए, दिमाग में बैठा? किसकी कंसिडरेशन कर रहे हैं, एलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, एलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यही रोल जो है क्रूशियल था, देख रहे हो यही ना लाइन ऑफ इंपैक्ट था डमरू लोग, इसके अलोंग ही चर्चा करना था, यही ना लाइन ऑफ इंपैक्ट था। अब आप लोग आराम से इसको कॉपी करना चाहे तो कर सकते हैं, हालांकि मैं चाहूँ तो रिजल्ट ही लिख दूं, पीछे भी है क्या? अच्छा, अरे कोई दिक्कत है? ओ अच्छा बात, क्या रिजल्ट आया बताइए, रिजल्ट क्या आया आपके दिमाग में बैठा? चलो अगर ये बातें चल रही है तो अच्छा बात है। ए हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ग्राउंड था क्या? अरे क्लियर है, हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ग्राउंड ही मान लेते,
स्मूथ मानना है, अभी पता है ना सब चीज चर्चा किया हुआ है। अब बताओ यहां से एक ब्लॉक आया था, ये बॉल आया था ना, ये बॉल का मास कितना माने थे आप, क्या माने थे रे, एम माने थे, एम वन कहां माना हो रहे भाई, अभी तो एम ही मान रहे। ये किस रफ्तार से आ रहा था, यू। ये कितना एंगल था, किस एंगल से गया था, फाई। मास तो वही ना जाएगा रे, अभी भी कोई कंफ्यूजन है क्या, अब मास तो वही चेंज हो जाएगा क्या, इसका मास तो एम ही रहेगा ना, ये किस रफ्तार से गया, भी रफ्तार से। और इस एंगल को क्या बोला मैं, उदास नहीं रहने का निगार, आपको रिजल्ट याद रखना है बाबू सोना, आप एकदम टेन फाइव का वैल्यू याद रख लीजिए, टेन फाइव किसके बराबर, टेन थीटा अपॉन ई, याद रहेगा या नहीं, पहली बात। दूसरी बात क्या याद रखना है, अरे यार भी इक्वल्स टू क्या, अंडर रूट यू स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एम आई राइट और नॉट, एम आई राइट और नॉट, स्क्वायर रूट सही है ना, कैसे सही पता चला आप लोग को, यस ये बातें दिमाग में बैठ गई होगी, अरे बैठी कि नहीं बैठी, अब आप लोग आपके पास जो कोलिजन है उसके अनुसार बनाते रहिए। ये ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, बॉल और बॉल के क्या है, ग्राउंड और बॉल वाला जो है कंडीशन, ये बात याद रहा होगा ना, इसमें कोई दिक्कत। अगर फोर इलास्टिक कोलिजन ढूंढना होता, फोर इलास्टिक कोलिजन, तो फोर इलास्टिक कोलिजन बताइए आप मुझे, मैं यही ना बोल रहा हूँ, फोर इलास्टिक कोलिजन ई का वैल्यू कितना पुट करते आप, एकदम याद रखते हो, अच्छा बात है, ई का वैल्यू क्या होता, वन। तो बताओ यहाँ पे पहला बात बताइए तो जरा, टेन फाइव किसके बराबर हो जाता, टेन फाइव किसके बराबर, टेन थीटा, मतलब फाइव किसके बराबर, कंफर्म होना, मतलब अगर ये बॉल आ रहा है और टकरा रहा है किस एंगल से, थीटा एंगल, तो थीटा ही एंगल बना करके निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, अरे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अरे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अच्छा अगर वेलोसिटी की चर्चा करते, वेलोसिटी तो ई का वैल्यू वन पुट करो, तो पता ही है बाबू सोना ये यू स्क्वायर इंटू क्या होता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वो ई का वैल्यू वन डॉल स्क्वायर, तो क्या आता, कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता, वन, तो भी का वैल्यू कितना हो जाता, यू। अरे यार होता कि नहीं होता, तो उसी रफ्तार से निकल जाता कि नहीं, ये वाला, अरे यार यू से आया, और ये मत बोल देना कि वही वेलोसिटी वेक्टर है गधा, ए स्पीड वही रहेगा, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी वेक्टर का वही रहेगा, डायरेक्शन तो चेंज कर ही ना रहा है जी, तो जिस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही मैग्नीट्यूड रहेगा ना, जिस स्पीड से टकराए उसी स्पीड से लौटेगा। ये बातें कुछ समझ में आई, यस और नो, अरे क्लियर है या नहीं क्लियर है, दिमाग में बैठा, आज के बाद कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन भूलोगे, और भी एग्जांपल इसमें लिया जा सकता है, बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, You have nothing to worry about the race. वो तो मैं ही हूँ। क्या? गधा, उल्लू। अभी कितना वक्त हुआ है बे? चलो बताओ जरा। यहाँ तक कोई दिक्कत? Line of impact का concept clear है? लिखने के mood में नहीं थे क्या आज? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तो है ना लेक्चर्स अवेलेबल है ना आप लोग के पास, कहीं कोई दिक्कत? अच्छा सुबह से लिखते नहीं आए हो, अच्छा चलो छोटा हो जाएगा ना, ये समझ में आया आप लोग को, कहीं कोई दिक्कत? इन लोग सोच रहे हैं नीट के बच्चे हैं ना, इन लोग सोच रहे हैं कुछ भी पढ़ाइए ना सर, मुझे तो रिजल्ट ही याद रखना है लेकिन गधा हो, कहीं ट्रैप हो जाओगे फिर तो गड़बड़ा ही जाओगे, तो ध्यान से सुनने का, कंसेप्ट पे जोर देने का, ये समझ में आया है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अच्छा बात, ये समझ आ गया, कहीं कोई दिक्कत? अगर ई का वैल्यू दे भी देता, जैसे ई का वैल्यू दे देता 0.6, तो आप पुट नहीं कर लेते, हाँ ई का वैल्यू 0.6 पुट कर देते
अरे कर लेते कि नहीं कर ले, ये बात याद रहेगा। चलिए अब कॉलेजन की बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत? लिखना है क्या? चलो लिख लो, ये रिजल्ट लिख लो। फर्स्ट स्लाइड से नहीं करेंगे, नहीं करने वाला हूं मैं। इससे पहले क्या था? और भी है, अच्छा ये सब ही नहीं। ऐसा भी नहीं लिखे हो क्या आप लोग? अच्छा ठीक है, अवेलेबल है ना, आगे बढ़ जाता हूँ ना। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ, आगे बढ़ जाता। फोटोज लेने आए क्या? हाँ उज्ज्वल बोल रहे हैं, ठीक है। चलो लिखो हेडिंग दो, इलास्टिक कॉलेजन का अलग अलग कॉलेजन ही पढ़ेंगे, लिखो तो हेड ऑन कॉलेजन। ये सब कब हुआ? अभी इमेज लोगे क्या? ले लो सेकंड्स में, हाँ ले लो। ठीक है ठीक है ठीक है, बच्चा आप लोग यहाँ से लेना है, कॉपी करो फास्ट, हल्ला नहीं करोगे लेकिन। लाइट ऑफ कर दो थोड़ा सा, कौन सा है क्या करना है? नहीं नहीं सारा लाइट ऑफ हो जाएगा, तुम लोग लाइट ऑन करो। अब हो गया, खड़ा हो जाओ। हो गया, गुड। वक्त आ रहा है, बर्बाद हो जाओगे शब्द। टॉम एंड जेरी का गेम है ऑनलाइन स्टडी, पता है ना आप लोग को, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। जब तक फिजिकल क्लास नहीं अटेंड करोगे कुछ हो नहीं पाएगा, जिंदा भी नहीं रह पाओगे। जो सेल्फ ड्रिवन बहुत कम बच्चे होते हैं, सेल्फ ड्रिवन बहुत कम बच्चे, जिसके अंदर आग लगा रहता है ना, वो आग क्यों लगता है पता ही होगा। घर का पूरा मंथ का इनकम रहता है 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, तो उसके लिए भी अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। आप लोग तो प्रिविलेज हो पूरा अच्छा खासा, तो इसी बात का ना फायदा उठाते हो। आप लोग थोड़े पढ़ रहे होते, पेरेंट्स आप लोग के पढ़ रहे होते आगे चल कर। कॉपी, अगर कॉपी में अगर कॉपी नहीं रहा अगले क्लास किया हुआ, तो मैं तोड़ तोड़ करके तोड़ूंगा। पहले ये लो ना, सेकंड नेक्स्ट पेज नहीं हो सकता है क्या? लो सेकंड पेज ले लो, ये हो गया बाबू लोग।
हो गया बाबू लोग, चलिए अच्छा बात। इसके बाद तो मैं ही हूं, चलो इसके बाद तो मैं ही हूं ना। चलो हेडिंग दो, याद नहीं रहा रिजल्ट ना, यकीन बोल रहा हूं मैं, बढ़िया वाला छड़ी मंगा रहा हूं, तोड़ दूंगा सबको। जितना नॉन सीरियसनेस आ रहा है ना, ये बहुत बर्बाद कर देगा आप लोग। लास्ट बैच होने का फायदा उठाते हैं आप लोग, तो मेरा गुस्सा जानते ही हो आप, फिर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला है कुछ। देखो टॉपिक का नाम लिखो, अब हम लोग कॉलेजन पढ़ेंगे, पहले हेड ऑन पढ़ेंगे, मतलब कौन सा है, 1D कॉलेजन पढ़ेंगे फिर 2D कॉलेजन पढ़ेंगे। हेड ऑन कॉलेजन का जनरल केस मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। कोई पहला इलास्टिक नहीं, 11th के बैच ऐसा नहीं कि इलास्टिक के लिए अलग पढ़ेंगे फिर इलास्टिक के लिए अलग से पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्ट लिखिए हेड ऑन कॉलेजन, हेड ऑन कॉलेजन का जनरल रिजल्ट के लिए बात करूंगा मैं, कौन सा कॉलेजन अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, हेड ऑन कॉलेजन। कौन सा कॉलेजन पढ़ रहे हैं हम लोग, हेड ऑन कॉलेजन। ध्यान से सुनना और अच्छे से सीखने का कोशिश करना। बताओ सिचुएशन क्या था, हेड ऑन कॉलेजन ध्यान से सुनना। एक ब्लॉक था, इसका मास कितना नाम ले रहा हूं मैं, M1। पहले भी मैं बोल चुका हूं नॉन इंपल्सिव फोर्सेस इग्नोर करेंगे, इंपल्सिव फोर्स ही कंसीडर किया जाता है कॉलेजन के वक्त ना। अगर मैं मान लेता हूं एक पार्टिकल है जिसका मास M1 है, इसका वेलोसिटी कितना मान रहे हैं हम लोग, E1। वेक्टर के साथ चलूं तो चलो A1 हो गया। दूसरा पार्टिकल है, अगर इसका मास M2 है, इसका वेलोसिटी कितना होगा बोलो, U2। ऑब्वियस सी बात है, E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा U2 से क्या होना पड़ेगा, बड़ा। एक कब का सिचुएशन है तो आपको पता ही है, कब का सिचुएशन है, जस्ट बिफोर कॉलेजन, एम आई राइट। ड्यूरिंग कॉलेजन क्या होगा, एक बॉडी आया M1 और दूसरा क्या है M2, एक लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग ही है, क्योंकि 1D कॉलेजन पढ़ रहे हैं, लाइन ऑफ इंपैक्ट बार बार चर्चा क्या क्या करते रहो, वो तो दिमाग में बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है। तो एक कब का सिचुएशन रहा, ड्यूरिंग कॉलेजन। ये दिल्ली कैपिटल्स मत सुनने लगना, और ये भी दिमाग में नहीं तो बच्चा लोग बैठा था, JBC लगता है सर JCB लिख रहे थे, JBC गलती से लिख दिए। ये JBC stands for just before college, और DC किसके लिए, ड्यूरिंग कॉलेज। उसके बाद याद है ड्यूरिंग कॉलेजन के वक्त मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है और कॉमन वेलोसिटी का टेंडेंसी रहेगा। ड्यूरिंग कॉलेजन कोई बात मत करना कि एनर्जी कंजर्व है, ये सब ऐसा चर्चा नहीं करा जाता, ड्यूरिंग कॉलेजन छोड़ दो आप। आपको जस्ट बिफोर कॉलेजन देखना है और जस्ट आफ्टर कॉलेजन देखना है, इतना मतलब इंसानियत और उसके साथ मत देख, मुझे बहुत डर लगता है मुझे। तो ध्यान से सुनो, ये जस्ट बिफोर कॉलेजन वाला सिचुएशन है, जस्ट आफ्टर कॉलेजन पता ही आप लोगों को। अरे इसकी रफ्तार कितनी हो गई थी बताइए, V1, एम आई राइट, और इसकी रफ्तार V2। ये याद है स्प्रिंग और ब्लॉक वाला एनालॉजी देकर के सब चीज पढ़ाया था, इसीलिए पढ़ाया था, इसी दिन के लिए पढ़ाया था कि तुम कुछ याद मत रखना। ये कब का सिचुएशन है बाबू, जस्ट आफ्टर कॉलेज, याद रखना, जस्ट आफ्टर कॉलेजन, जस्ट बिफोर कॉलेजन का सिचुएशन है। नमस्कार, आइए आइए बढ़िया से बैठे, सोफा लगवा दूं क्या, और कैसे हैं, क्या हाल चाल, और सब ठीक ठाक घर में सब लोग, पापा मम्मी स्कूल अच्छे से जा रहे हैं, क्लास के बाद तू मिल। जस्ट आफ्टर कॉलेजन, अब मुझे बताइए आप, सोचिए जरा ध्यान सुना, कॉफिशियंट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी दिया रहेगा, यहाँ क्या है, कॉफिशियंट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी दिया हुआ है। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक दिमाग में बैठाइए आप लोग, इलास्टिक होगा तो E का वैल्यू 1 पुट कर देना, इन इलास्टिक होगा तो 0 और 1 के बीच सिलाई करे कर लोगे ना, इसीलिए जनरल केस की बात कर रहा हूँ। आप बताइए मुझे, आपके लिए नोन क्या क्या है, यहाँ पे नोन क्या क्या है, ध्यान से सुनो और अच्छे से सीखो। M1 पता होगा आपको,
एम टू पता होगा आपको, अरे पता, ई वन पता होगा आपको, यू टू पता होगा आपको, ये चार चीज आपको पता होगा, ये जीरो नहीं मैं बोल रहा हूँ, मतलब पता होगा, कुछ भी होगा पता होगा, हो सकता है कुछ दे दे। एम वन पता है आपको, एम टू पता होगा, ई वन पता होगा, यू टू पता होगा। एम वन क्या है पता है, एम टू क्या पता है, ई वन क्या पता है, और यू टू क्या पता है, अरे पता है ना। इसको टारगेट बोल सकते हो, तो इसको इंसिडेंट पार्टिकल भी बोला जा सकता है, टारगेट पार्टिकल, तो इंसिडेंट पार्टिकल हुआ कि नहीं। तो m1 इसका मास है, u1 इसका वेलोसिटी है, m2 इसका मास है, u2 इसकी वेलोसिटी है। हेड ऑन कोलिजन की चर्चा चल रही है, मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि एक कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक इनइलास्टिक कौन सा कोलिजन है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ अभी ना। अच्छा, आपको ई भी पता है, अभी मैं पहले भी बोल दिया हूँ कि ई आपका दिया हुआ है। ई क्या है आपका दिया हुआ है, ई क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन, वो कुछ भी होगा, मतलब कुछ भी क्या होगा, तो जीरो वन के बीच ही ना लाई करेगा। अच्छा, आपके लिए अननोन क्या है, यहाँ पे अननोन क्या है आपके लिए, तो आपके लिए अननोन यहाँ पे V1 है, क्या है, V1 आपको पता नहीं है और V2 आपको पता नहीं, मतलब V1 भी पता नहीं है आपको, V2 भी नहीं पता, दो चीज पता नहीं है आपको, तो कम से कम दो इक्वेशंस की दरकार होगी ना आपको। yes, कम से कम दो इक्वेशन चाहिए, तो दो अननोन निकल जाएगा आपके लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, बताइए जरा, आप लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, बताइए कुछ दिक्कत हो रही है क्या? खुद से होता है, खुद से भी खुशी होती है कभी कभी। आप बताइए, पहला कंसेप्ट तो कोएफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन का यूज करके निकाल लेंगे हम लोग। बताइए क्या डेफिनेशन पढ़ा के रखा गया है कोएफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन से, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला कंसेप्ट। अरे पता है ना बाबू, क्या वहां से पढ़ाया गया, ई का वैल्यू किसके बराबर, यस, क्या है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वी टू माइनस वी वन अपॉन ई वन माइनस, ये बात समझ में आ रहा है आपको। यहां से बताओ तो आप, वी टू माइनस वी वन किसके बराबर रे, E into what? E1 minus, अरे लिख सकते हो क्या? Yes, sir. तो V2 बताओ यहां से कितना हो जाएगा, V1 उधर चला जाएगा, V1 प्लस, अरे इधर माइनस बताओ, उधर जाके प्लस में होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, गुड, प्लस E into what? बताइए जरा, E1 minus U2, समझ में आया बाबू सोना लोग? Yes, sir. कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से निकाल लिए, चलिए अच्छा बात, अरे निकल गया कोई दिक्कत। अब दूसरा चीज याद रखना, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होता है, चाहे किसी भी तरह का कोलिजन हो, वहां लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होगा ना। yes, अरे होगा कि नहीं होगा? yes, अब ये मत बोलना कि सर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं कर रहे, अरे काइनेटिक एनर्जी तो केवल इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व होता है ना, फिर इन इलास्टिक के लिए अलग से सोचते कि नहीं हम लोग, तो मैं एक ही साथ सोच रहा हूँ, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो लगेगा ना यहाँ पे। चलिए उसके साथ चलते हैं, किसके साथ चलते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन से एक बात बन गया कि भी टू का वैल्यू मिल गया हम लोग को, अरे यार भी टू का वैल्यू मिला है कि नहीं मिला है। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बाबू सोना दिख रहा है आप लोग को, चलिए बताइए, नहीं दिख रहा है यहाँ नीचे कर दे रहा हूँ, बताओ इसका पहले जस्ट बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम कितना, एम वन ई वन, वेरी गुड, प्लस एक कब का मोमेंटम है, जस्ट बिफोर कोलिजन, दैट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, एम वन प्लस एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया, क्या लगाया हमने, एम टू वी टू, ये वी वन है, अरे कोई प्रॉब्लम, हाँ छूटा है कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत, हाँ ऐसा बात है, M1 V1 plus M2 V2, very good, अच्छा बात है, ध्यान से देख रहे हो आप, अरे कोई दिक्कत। अब बताइए जरा मेरा टारगेट क्या है, M1 M2 U1 U2 और E दिया हुआ है कि नहीं, हम लोगों को टारगेट, मेरा टारगेट है V1 और V2 निकालना, जो V1 और V2 आएगा इसी पांच चीज के से मिलकर के ना बना होगा रे, M1 M2 U1 U2 और E से ही ना मिलकर के बना होगा, अरे यही तो छोटा सा बात है, आपको V1, तो आप क्या करो V2 का वैल्यू पुट कर दो इस पर,
पुट करें क्या? देखो ये क्या होगा, एम वन ई वन, थोड़ा सा फोन को छोटा कर रहे हैं, प्लस व्हाट एम टू यू टू इक्वल्स टू बताओ एम वन भी वन किसके बराबर बाबू, रहने दो भी वन है प्लस एम टू रहने दो, बताओ भी टू किसके बराबर, भी वन प्लस इसको तोड़ दे क्या ई वन माइनस, कंफर्म हो बाबू सोना समझ आया? बताओ एम वन ई वन रेड अमरू प्लस व्हाट एम टू यू टू, अरे कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम का ही तो एप्लीकेशन कर रहे हैं, क्या होगा एम वन भी वन प्लस, तोड़ो ब्रैकेट तोड़ने आता है एम टू भी वन, प्यारे बच्चों समझ आ रहा है, क्या हो जाएगा एम टू इन टू ई ई वन, अरे कोई प्रॉब्लम फिर बताओ, माइनस एम टू ई इन टू वॉट यू टू, अरे बातें समझ में आ रही है yes, कहीं कोई दिक्कत no, मैं इसी को लेकर के आगे बढ़ू क्या yes, उधर तो कॉपी कर ही सकते हो तुम लोग yes, चलिए बताइए मेरा टारगेट क्या है, भी वन निकालना, यहाँ देखो भी वन कॉमन निकल रहा है कि नहीं, चलो निकालेंगे, देखो ए एम वन है ई वन है, बताओ जरा ऐसा करते हैं कि तुम लोग तो अच्छे बच्चे हो समझ ही जाओगे yes, क्या समझोगे क्या समझोगे, मैं एक स्टेप ऐसे कर देता हूं, इसको हैं इसको मैं इधर से कॉपी कर लिया, क्यों लिखूं बार बार, और कॉपी करके मैं इसको इधर ले आया, अरे ठीक है, और इसको मैं यहां से उठाया और कॉपी किया और इसको, अरे अरे तो गड़बड़ा गया जा, कुछ भी जा नहीं हुआ है, टेंशन मत, अरे यहीं रह, कॉपी 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 और इसको यहां ले आया, एक स्टेप थोड़ा मेहनत से बचा मैं और कुछ नहीं, ए इक्वल टू लिख सकता हूं, अरे कोई दिक्कत है क्या इला? नहीं समझ में आया, अच्छा ठीक है अब चलो बताओ कार्टून ही है सब, चलो ध्यान रहेगा, अब बताओ यहां से जो है रहने दो, भी वन कॉमन ले ले क्या, क्या बचा बोलो एम वन प्लस एम टू, एम आई राइट और नॉट, अब देखो जरा एम वन ई वन है, पक्ष को लेते जाते देखते ए एम वन ई वन है, अरे है इसको उठा करके उधर पटको, अरे किसको पटकोगे ए वाला को, उधर ले जाओगे तो क्या बने जाएगा वो माइनस साइन के साथ जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो एम टू इन टू वॉट ई ई वन, अरे होगा कि नहीं होगा, अरे कोई दिक्कत, और वहां पहले से एम टू यू टू है क्या, तो ए वाला माइनस उधर जाएगा क्या प्लस, क्या हो जाएगा बोलो एम टू इन टू ई इन टू वॉट है, अरे क्लियर है बता जरा, यहाँ से M1 प्लस M2 कॉमन निकला ही हुआ है इनटू क्या है V1, मंजिल के करीब है हम लोग, ध्यान से सुनना और सीखना, बताओ यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा M1 माइनस E टाइम्स M2 इनटू क्या E1, वेक्टर के साथ लिख रहा हूँ मैं प्लस, बताओ M2 U2 कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस E इनटू क्या M2 U2, लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे, अरे यार लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे, किसी को कोई सिखवा शिकायत है क्या, अब लो एकदम अच्छे से याद रखना, यहाँ पे बताओ V1 ही तो निकालना था हम लोग को, तो V1 किसके बराबर हो गया बोलो M1 माइनस E टाइम्स M2 इनटू व्हाट E1 प्लस 1 प्लस E इनटू M2 into U2, अरे जोर से बोल समझ में आया या नहीं आया, अपॉन में क्या करेंगे बाबू M1 plus M2, आप ऐसे याद रख पाओगे या नहीं रख पाओगे, आप इसको फर्दर तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, क्या हो जाएगा बोलो M1 minus E times M2 into what E1 अपॉन M1 plus M2 plus A1 plus E into M2 U2 upon M1 plus M2, बात कुछ समझ में आया आया, आपके दिमाग में तो पोला होगा कि हमको तो यही याद रखना है, बात भी तो सही है कि आपको तो याद इतना ही रखना है क्या, अरे बाबू लोग
आपको तो याद यही रखना है, सोच भी रहे हो कि मेन जल्दी मंजिल तक पहुंचो। नीट वाले बच्चे तो ऐसे ही होते, किस तरह रिजल्ट याद हो जाए तो कार्टून, ये रिजल्ट याद रह जाएगा ना रे। तो ये बताओ, सबको याद रह जाता है, कोई बड़ा चीज नहीं है। चलो वी वन इक्वल टू एम वन माइनस ई टाइम्स एम टू, ई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू इनटू प्लस वन प्लस ई। अरे याद रहेगा कि नहीं, अरे याद रहेगा कि नहीं। अब वी टू के लिए रिजल्ट मत याद रख, वी टू के लिए एक्सचेंज पॉलिसी रखना। वी टू अगर लिखना होगा, सिमिलरली अगर वी टू निकालना चाहोगे तो जहां एम वन है वहां एम टू रख दो, जहां एम वन है वहां, 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 तो करो स्टार्ट। वी टू लिखना है तो क्या करोगे, एम टू माइनस ई एम वन इंटू यू टू, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, भूलना मत, नहीं तो यूट्यूब दिमाग में बैठा लोगे आप लोग। ये क्या है, यू टू, अरे है कि नहीं, अपॉन में क्या, अरे नीचे तो कोई लफड़ा नहीं है, एम वन प्लस एम टू लिखे, एम टू प्लस एम वन लिखे, कोई फर्क है क्या, ए प्लस ही साइन है, यहाँ वन प्लस ई रहने दो, क्या हो जाएगा, एम वन ई वन अपॉन एम टू एम वन प्लस। अरे ये रिजल्ट याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, ये दोनों रिजल्ट याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। मैं चाहता तो ये दोनों रिजल्ट डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मुझे दिमाग में बैठाना था आपको कि देखो अगर भूल भी गए किसी तरह कुछ नहीं करना, एक कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला बात मालूम है और दूसरा कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लगाने का, दो ही कंसेप्ट आप लगाइए अपना सारा बन जाएगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, अब देखो रिजल्ट कैसे आता है, सुनो ध्यान से। अगर इलास्टिक कोलिजन होता तो ई का वैल्यू क्या पुट करते, तो पुट करते देखो वी वन इक्वल टू एम वन माइनस ई का वैल्यू वन, एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू ई वन, वन प्लस ई मतलब वन प्लस टू, तो टू एम टू यू टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। अरे होता कि नहीं होता, अरे होता कि नहीं होता। अच्छा अगर वी टू निकालना होता तो क्या होता, एम टू माइनस एम वन इंटू यू टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ए टू वन प्लस ई का वैल्यू वन पुट, वन प्लस वन टू एम वन ई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। होता कि नहीं होता, होता कि नहीं होता, अरे होता कि नहीं, एस आर के होता कि नहीं होता, समझ में आया, ध्यान से सुन रहे। अच्छा एक बात और, एक बात और, अगर कहीं इस तरह का किस जैसे जनरली पूछा जाता है, इन इलास्टिक कोलिजन दे देगा और बोल देगा कि टारगेट पार्टिकल रेस्ट में है, मतलब टारगेट पार्टिकल एम टू रेस्ट में, तो एम टू का यू टू जीरो कर देते, तो यू टू क्या हो जाता है जीरो, एक खत्म। एम वन माइनस ई बराबर होता एम एम बराबर होता एम इंटू एम, तो क्या वन माइनस ई बाई टू आ जाता इंटू यू आता कि नहीं आता, मतलब जितने भी केसेज डिराइव करने वो यहीं से बातें हो जाएंगी। बातें कुछ समझ में आई, आई विल नॉट एक्सेप्ट योर थैंक्स राइट नाउ, गॉट इट, ध्यान से सुनने का, याद रहेगा ये रिजल्ट कैसे याद रखने का। देखो एकदम वी वन है यहाँ यू वन रहेगा, ए वी टू है यहाँ पे यू टू रहेगा, और ए वाला लास्ट टर्म वैसे ही है, तो एक साथ सब लोग रिजल्ट बोलिए जरा, ध्यान से सुनना और बताना। मैं जिनसे पूछ रहा हूँ बोर्ड को हटा भी दूंगा, एक दो बार देख लो गहरी नजर से, एकदम ताड़ लो इस रिजल्ट को अच्छे से, बढ़िया से ताड़ने आता है ना, यही चीज तो सीखे हो तुम लोग, एकदम उसको करो अच्छे से। चलो स्टार्ट करो, बता वी वन, बताओ वी वन, जितना बार बोलना है देख लो बाबू, देख लो गौर से, हो गया याद रह जाता है। वी वन अगर याद रहा तो वी वन क्या है, वी वन बताओ, मैं एक बार बोल रहा हूँ सुनो, वी वन इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ एक बार, केवल ऊपर वाला टर्म याद रखो, नीचे वाला एम वन प्लस एम टू है, कोई दिक्कत है, तो वी वन किसके बराबर, एम वन माइनस ई टाइम्स एम टू इंटू यू वन प्लस वन प्लस ई इंटू एम वन ई वन, और पूरे में एम वन प्लस एम टू ही डिवाइड कर, कोई दिक्कत, एक रिजल्ट याद रहा दूसरा रिजल्ट याद हो जाएगा कि नहीं। अब इसी रिजल्ट से अगले क्लास में पूरा धुआंधार तरीका से आगे बढ़ेंगे, जो भी पॉसिबल केसेज बनेंगे, पहला इलास्टिक कोलिजन देखेंगे, उस पर पॉसिबल केसेज देखेंगे, बहुत सारे पॉसिबल केसेज जो भी हैं नीट में, वो सही छोटा 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 क्वेश्चन तो पूछता ही है, वो सब देखेंगे, और फिर किसमें इन इलास्टिक कोलिजन भी वन डी वाला देखेंगे अच्छे से ना, उसमें भी जितने भी पॉसिबल केसेज बन पाएंगे वो सब ध्यान रखेंगे। अरे क्लियर है,
तो आज का होमवर्क आप लोग को यही रहा, पूरा से पूरा एक एक लाइन कहीं से भी मैं पूछ सकता हूँ, ये दिमाग में अच्छे से बैठा करके आना। समझ रहे हो? इस रिजल्ट को ड्राइव करते वक्त ये मत सोचना कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई है, कुछ बातें नहीं हुई है। गौर कीजिए, आपके लिए आपको M1 पता है, M2 पता है। M1 किसका है? मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, M2 मास ऑफ टारगेट पार्टिकल। अब बताओ E1 किसकी रफ्तार है? इंसिडेंट पार्टिकल का। U2 किसकी रफ्तार है? हेड ऑन कॉलिजन है, मतलब डायरेक्ट कॉलिजन। इसका मतलब तो बात पता ही है कि E1 को U2 से ज्यादा होना है, तभी टक्कर होगा, एक लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग है। अरे कोई दिक्कत है? सब चर्चा व्यर्थ की बातें। बताओ E1 पता है, U2 पता है, E भी पता है आपको। अरे कोई दिक्कत? आप बताइए जरा, अननोन क्या है आपके लिए? V1 और V2। V1 आपको पता नहीं है, V2 नहीं पता है। V1 और V2 ही तो निकालना है आपको। हमने क्या किया? कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कांसेप्ट यूज किया। अरे यूज किया क्या? कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कांसेप्ट यूज किया हमने। E का वैल्यू कितना? V2 माइनस V1 अपॉन E1 माइनस U2 रहा। अरे कोई दिक्कत? यहां से हमने V2 का वैल्यू निकाल दिया, कोई दिक्कत? अब V2 को वैल्यू निकालने के लिए बहुत कड़ा मेहनत और मशक्कत नहीं करना पड़ा, एकदम पसीना नहीं चलने लगा। वो सिंपल सा लॉजिक था, अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के V2 का वैल्यू लिख दिए। अब उसके बाद हम लोग किसके पास जाए? ये तो पता था, चाहे किसी भी तरह का कॉलिजन हो, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होगा। हमने कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लगाया। केवल क्या किया कोमल? क्या किया कोमल? M1 E1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 लिखा हमने। जस्ट V2 का वैल्यू पुट कर दिया बाबू, और हमने कुछ नहीं किया। बाद बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कॉमन उमर लेने तो आता ही है। अगर नहीं आता है तो डॉक्टर बनने का ख्वाब क्यों देख रहे हैं? बेर का मत देखिए, जब हिसाब की तभी नहीं रखने पा रहे हैं आप लोग अपना। कर लेंगे क्या? पुट किया हुआ है सारा चीज। तो ये मैं डेरिवेशन किसी को भी बुला करके बोर्ड पे पूछ सकता हूँ, और डेरिवेशन अगर याद नहीं भी रखे तो रिजल्ट तो जरूर याद रखना होगा। कैन आई स्टॉप राइट नाउ? लाइन ऑफ इंपैक्ट का कांसेप्ट क्लियर हुआ? कोफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन का कांसेप्ट क्लियर हुआ? यही बेसिक्स है कॉलिजन का ना। हेड ऑन कॉलिजन अच्छे से पढ़ लेना, रिवीजन करके आना, इस पर अच्छा खासा न्यूमेरिकल लेंगे। बात कुछ समझ में आ रहा है? कैन आई स्टॉप राइट नाउ? चलिए आज के लिए इतना ही बाबू सोना लो।